नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, जब आप लोग देखेंगे कि इस समय की कहानी में लगातार प्रीता को मारने के लिए जो साजिश हुई थी और वो वाकई में कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाई निधि की। हालांकि दोस्तों सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक होने वाले हैं जब देखेंगे कि प्रीता गिरी हुई पड़ी है और वो बेहोश हो चुकी है और ये सब कुछ साजिश निधि की थी, क्योंकि दोस्तों निधि को भी छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी तरीका से निधि को बख्शा नहीं जाएगा। निधि की हरकतें इस समय संदिग्ध के घेरे में भी नज़र आ रही हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कहते हैं हर एक चीज़ के पीछे एक सोच होती है और इस समय की सोच भी कितनी ज़्यादा गिरी हुई है और मकसद क्या है आप लोगों को बता ही देता हूँ। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कहानी में लगातार एक नहीं बल्कि समय एक से बढ़कर एक एक नई नई ट्विस्ट नए नए रीजंस भी आप लोगों के बीच में दस्तक देते हुए नज़र आने वाले हैं। कहते हैं हर एक चीज़ के पीछे एक नहीं बल्कि कई और भी वजह छुपी हुई होती हैं, लेकिन इस समय की जो वजह हैं वो आप लोगों के बीच में फिर से दस्तक देती हुई नज़र आने वाली हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बोलती हुई नज़र आएगी आखिरकार निधि कि प्रीता बच कैसे सकती है। प्रीता को तो हमने लगातार टारगेट एक नहीं बल्कि इस समय कई बार किया था, लेकिन प्रीता आखिर में बच ही गई। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि कहानी में बदलाव की घड़ी फिर से देखने को मिलती हुई नज़र आने वाली है और इस समय बदलाव की घड़ी वो तरीके से देखने को मिलेगी कि जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि लगातार यहाँ पर राजवीर और करण निधि के लिए पुलिस FIR दर्ज कराने की मांग करते हुए नज़र आने वाले हैं, क्योंकि ऐसे क्राइम करने वाले शख्स के साथ में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।